यहाँ स्टूडेंट, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा पर्सनली होके भी बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चीज देख रहा हूँ कि हम लोग जब कोई भी काम करते हैं तो उस काम में ये देखते हैं कि दूसरे का फायदा क्या हो रहा है, जबकि एक समझदार व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि कोई भी काम हो उस काम में मेरा फायदा क्या हो रहा है। इस चीज को ज्यादा देखना चाहिए, दूसरे का चाहे कम फायदा है चाहे ज्यादा फायदा है, लेकिन आपका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ आपसे, देखिए, सबसे पहले तो मैं जब वीडियोस डालता हूँ सारी अपडेट्स डालता हूँ, और कुछ स्टूडेंट तो मेरे ऐसे हैं जो साफ तौर पर बोलते हैं कि दीपक सर थैंक यू, आप जब से हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है हमको सारी वीडियोस टाइम पे मिलती हैं और सारी अपडेट्स मिलती हैं, मेरे को किसी से कहीं जाके पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है और मैं अपडेट रहता हूँ, और जब से जो है मैं आपसे जुड़ा हूँ तब से जो है मैं एक रिलैक्स फील करता हूँ कि मेरे को सारा का सारा कम्युनिकेशन मिल जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो व्हाट्सएप पर भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और फिर उसके बाद वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो ऑलरेडी मैं एक दिन पहले अपडेट करा होता है या एक दो दिन पहले अपडेट करा है, फिर भी उनकी समस्या सॉल्व आउट नहीं हो रही है। तो क्या कारण है? ऐसा तो है नहीं कि वो वीडियो नहीं देखते हैं या फिर उन्हें वीडियो समझ में नहीं आता है, तो उनके साथ दिक्कत क्या हो रही है मैं बताऊं आपको। हो सकता है, देखिए, अगर आप आज इस वीडियो में हो और ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, तो ये वीडियो में जब आप थंबनेल के थ्रू आए हो तो मेरा चेहरा तो देखने के लिए नहीं आए हो आप लोग। आप लोग जो है यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन लेने आए हो, और जो इन्फॉर्मेशन है वो NIOS से रिलेटेड है, और अगर आप NIOS की इन्फॉर्मेशन लेने आए हो तो आप कुछ ना कुछ NIOS से रिलेटेड हो, यानी कि आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप जो है कोई ऑफिसर हो, लेकिन NIOS से रिलेटेड हो। अब मैं एक चीज स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहता हूं कि देखिए आपको क्या करना है, आपकी समस्याएं क्यों बनी रहती हैं और क्यों बार बार आप सेम टाइप की कंप्लेन करते हो और आपका कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाता है, उसका कारण यह है कि आप सारी वीडियोस नहीं देखते हो या फिर वीडियोस को आधे में देख के छोड़ देते हो, लास्ट तक पहुंचते ही नहीं हो कि हाँ ये तो सर है बोलते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी एक एक लाइन कंटेंट्स में लिखी होती है, उनको अपडेट किया जाता है तब आप तक पहुंचाया जाता है। तो स्टूडेंट, मेरी गुजारिश आज आपसे ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब किया हो लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हो। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है, जब भी मेरे कोई नया वीडियो आता है उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में या आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में तुरंत पहुंच जाता है। तो सिर्फ सब्सक्राइब करना नहीं है, चैनल को बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। बेल आइकन का मतलब है एट एनी टाइम, चाहे मैं दिन में चाहे सुबह या शाम को जैसे ही मैं कोई अपडेट दे रहा हूं वो अपडेट आपको तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच रही है। सबसे पहले तो सब्सक्राइबर आपको बताऊं, आप जब किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हो या बेल आइकन को प्रेस करते हो तो इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं है, आपको कोई इसमें रुपया पेड नहीं करना है, एक बात तो आप सबको क्लियर है। दूसरा चीज, हम बहुत सारे चैनल ऐसे जो कॉमेडी चैनल्स हैं, म्यूजिक से रिलेटेड है, मूवीज से रिलेटेड है, गेम से रिलेटेड है, उनको हम सब्सक्राइब करते हैं, उनका बेल आइकन दबाते हैं, जिसकी अगर हमको कोई वीडियो छूट भी जाए तो हमारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हमारे दो तीन कॉमेडी वीडियो छूट जाए या दो तीन हमारे वीडियो में हम छूट जाए तो उससे हमें लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो एक इंफॉर्मेटिव चैनल है, एजुकेशन से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है, और इसमें अगर आपका कोई भी एक अपडेट छूट जाए तो NIOS का तो ऐसा हाल है कि अगर कोई अपडेट छूट गया और आपको नहीं पता चला तो कोई बताने वाला भी नहीं है। स्टूडेंट, मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, तभी आपको सारी वीडियोज मिलती रहेंगी और कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं अप्रैल 2022 में जो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं लेकर आया हूं। क्या वो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको लेके बात कर लेते हैं। बात करने जा रहा हूं आज अप्रैल 2022 के उन स्टूडेंट्स की जो एग्जाम देने जा रहे हैं, एक के बाद एक मैं सारी डेट्स आपको देने जा रहा हूं और साथ साथ में लास्ट में आपको बताने भी जा रहा हूं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो चुका है, आप लोगों का आई कार्ड आ चुका है, अब आपको कैसे शुरुआत करनी है, चाहे आपकी बुक्स अभी नहीं भी आई हैं, कई स्टूडेंट्स की बुक्स नहीं आई हैं, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स की बुक्स आई हैं उन्होंने पढ़ना भी शुरू कर दिया, लेकिन मैं 2022 अप्रैल वाले स्टूडेंट से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं सबसे पहला जो आपका काम है वो है अपना TMA बनाइए। जी हाँ, TMA को बिल्कुल फुलफिल कर दीजिए, उसको बिल्कुल तैयार कर दीजिए, चाहे आपको ऑनलाइन सबमिट करना है चाहे ऑफलाइन सबमिट करना है, TMA बनाइए।
अगर आपको ऑनलाइन सबमिट कराना है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे हम पे बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे ऑनलाइन सबमिट करने में। और अगर आपको ऑफलाइन सबमिट करना है तो टीएमए जरूर बना लीजिए, टीएमए इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जब आपका टीएमए हो जाएगा, अब टीएमए जब आप बना लेंगे तो इसको सबमिट कब करना है, तो मैं आपको बताऊं उसको जो लास्ट डेट है सबमिट करने की वो है 31 जनवरी 2022। जी हाँ, नोट कर लीजिए, टीएमए सबमिट करने की लास्ट डेट जो है 31 जनवरी 2022 है। तो उससे पहले अब अगर आप बोलो कि बहुत दिन है सर अभी कर लेंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आगे बेटा पढ़ना भी है हमने, तो पढ़ना भी है, तो उससे पहले जो है टीएमए का काम कंप्लीट कर लीजिए। जिन स्टूडेंट ने टीएमए का काम कंप्लीट कर लिया है या जिन्होंने हम लोगों को जो है ऑनलाइन सबमिट करने के लिए दे दिया है, उनका तो टेंशन फ्री हो गए हो, लेकिन उन सारे स्टूडेंट से मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपका टीएमए का काम कंप्लीट हो गया तो नाउ गो फॉर द प्रैक्टिकल। आपके जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उन प्रैक्टिकल एग्जाम्स को आपको देना है, उससे पहले आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। किन किन सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल होता है, अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर दीजिए, हमारी टीम आपको जो है भली भांति बता भी देगी, और अगर आपको सॉल्ट प्रैक्टिकल फाइल या सॉल्ट टीएमए चाहिए तो वो भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएंगे। कुछ स्टूडेंट का कहना कि बुक्स तो आई नहीं है, करे कहां से, तो टीएमए सॉल्ट तो हम दे ही रहे हैं, वहां से आप बना लीजिए। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं ठीक है हमको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कैसे करें जब बुक्स नहीं आई है, तो देखिए अगर एनओएस की बुक्स आ भी जाएंगी, वो टेक्स्ट बुक, उन टेक्स्ट बुक को देख के आप जो है इतनी ज्यादा उससे ये नहीं होता है कि आपकी फुल फ्लैग प्रिपरेशन हो जाती है, उसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है जो हमने डिजाइन करा हुआ है, हमने बनाया हुआ है। जैसे आप सब्जेक्ट के मेर से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिजाइन करे हुए हैं, लास्ट थ्री इयर्स के क्वेश्चन पेपर है, सैंपल पेपर है, सिलेबस है, वो सब जब आप इकट्ठा करके मर्ज करके पढ़ाई करेंगे तब आपकी प्रिपरेशन होगी और तब आप जो है अप्रैल में एग्जाम दे पाओगे। प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है वो होगा इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में होगा। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि अप्रैल और मई में होंगे थ्योरी के एग्जाम, तो यानी कि प्रैक्टिकल आप फाइल तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिकल फाइल आपको अपने जो है एग्जाम सेंटर में लेकर जानी होगी, वहां पर सबमिट करनी होगी। हो सकता है टीचर उस फाइल से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ ले, अधिकतर तो स्टडी सेंटर में सिर्फ फाइल ले ली जाती है और आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं। जब आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे उसके बाद आपको जो है इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई, ये दो महीने आपके थ्योरी के एग्जाम चलेंगे, इन दो महीने में आपको थ्योरी के एग्जाम देने हैं। थ्योरी का एग्जाम जब मई में खत्म हो जाएगा तो जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक या 15 तारीख से पहले आपके हाथों में रिजल्ट होगा। रिजल्ट आने से 20 दिन बाद आपको मार्कशीट मिल जाएगी। तो ये स्टूडेंट सारी जानकारी आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग जो है अप्रैल 2022 में एग्जाम देने जा रहे हैं। कमेंट्स का हमने एक वीडियो शुरू कर दिया है, वीकली एक वीडियो लेकर आएंगे, जो भी कमेंट्स आप करेंगे उसमें जो कॉमनली ऐसे कमेंट्स होंगे जो सबके जो है फायदे के लिए पूछे गए हैं, तो उन कमेंट्स का मैं आंसर दूंगा। अगर आपने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा तो मैंने अभी लास्ट वीडियो पोस्ट जो करा है वो पूरा कमेंट से रिलेटेड है, हो सकता है आपने कोई कमेंट लिखा हो, आपका भी कमेंट उसमें इंक्लूड हो, तो जाके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और स्टूडेंट तैयारी करते रहिए, किसी भी चीज की जरूरत है तो बैठे हैं हम लोग पीसीआईसी गुरु जी, और इसी तरीके से नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। बेल आइकन दबा लीजिए, जी हाँ बेल आइकन को दबाएंगे तभी जो है आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा। तो मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।